एक तोता और एक राजा की ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज की यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही शिक्षा देकर के जाएगी कि जीवन में सही फैसला हमें कैसे लेना चाहिए। हमें बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे और कोई भी कदम उठाने से पहले हमें अवश्य ही सोचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के तीन बेटे थे। उस राजा की ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी को संभालेगा, लेकिन वह उस बात को लेकर के संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर तुम लोगों के सामने एक गुनाहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे। दोस्तों, इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, पिताजी, उस अपराधी को सजाए मौत दी जाएगी। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, उस गुनाहगार को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। जब तीसरे बेटे की बारी आई तो तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी के माध्यम से समझाया और एक कहानी सुनाई। बोले, पिताजी, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा कि महाराज, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। उसकी बात नहीं मानी, लेकिन इधर तोते ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर के आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। दोस्तों, राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दे दी और कहा कि तुम 5 दिन अपने परिवार वालों से मिल करके वापस लौट आना, 5 दिन में ही वापस लौट आना। तोता ने कहा, ठीक है महाराज, मैं 5 दिन में आपके पास जरूर लौट आऊँगा। उसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। 6वें दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह तोता पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। दोस्तों, तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया और उसने जो अमृत वाला फल लिया था उसे खाने लगा। सर्प ने फल को खाया, उस कारण उस फल में जहर फैल गया। हालांकि तोता को इस बात की भनक भी नहीं थी। दोस्तों, अगली सुबह जब जागा तो फल लेकर के महल की ओर चल पड़ा। जब वह तोता महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया। कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर के आया हूँ, आप इसे खाइए और खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। दोस्तों, यह सुनकर के राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, राजा, जरा रुकिए, महाराज, आप इस फल को बिना जांचे मत खाना, एक बार सही से इसकी जांच करके देख लो।
तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल कहीं सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिला दिया जाए। दोस्तों, राजा को आदेश पाकर के सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ता की मौत हो गई। यह सब देखकर के राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर के तलवार से तोता के सिर को काट दिया, साथ ही फल को भी फेंक दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर जहां उस फल को फेंका था, उसी जगह एक पौधा निकल आया। यह देख करके राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई भी नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। दोस्तों, उसे भूख काफी जोर से लग रही थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी समझ में आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इससे लेकर उसे काफी दुख भी हुआ। दोस्तों, उसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा चंद्रसेन अपने बेटे की बुद्धिमता से काफी प्रसन्न हुए और राजा चित्रसेन ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उसे अपना राजपाट सौंप दिया। राज्य जश्न में डूब गया, खुशियां मनाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है, किसी को दोषी मान करके उसे दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे पहले जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि वास्तविक ये दोषी है या नहीं है, कि वैसे ही लोग इसे दोषी ठहरा रहे हैं। तो हमें कोई भी अच्छा बुरा काम करने से पहले बुद्धि और विवेक से सोच लेना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो जो कदम हम उठा रहे हैं वो अनहित में न चला जाए, किसी के हित में न जा करके हमारे द्वारा किसी का अहित न हो जाए, जो कि उस राजा के द्वारा हुआ, जो राजा उसे तोता को एक अपना शत्रु समझ बैठा, दुश्मन समझ बैठा, जो कि उसने उसे मार दिया। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे। जय